हरे कृष्णा। सभी यहाँ पर उपस्थित है अपने देह के साथ। नो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ठीक, अभी मंत्र चार। तो पहला श्लोक क्या है? ईशावास्य संकल्पना। दूसरा श्लोक क्या है? ईशावास्य पालन करने का लाभ। तीसरा श्लोक क्या था? ईशावास्य न पालन करने की हानि। क्या क्या होगा गलत उसके द्वारा? आप महा बनेंगे वगैरह वगैरह। अभी यह जो चौथा श्लोक है, ये कैसे आत्महा व्यक्ति जो है वो भगवान का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, उसका वर्णन है। वो मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा जो अचिंत्य भगवान है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर भगवान कैसे पता होंगे? भगवान स्वयं प्रकट करेंगे उस व्यक्ति के लिए जो आत्महा नहीं बनता है, जो ईशावास्य को पालन करता है। तो मंत्र चार। अनेजदेकं मनसो च वियो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वादधाति। भाषांतर पढ़िए। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों के पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। तो पहला तो तीन लाइन है तात्पर्य का, वो सारा सारांश बता देता है क्या आने वाला है आगे। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकता, वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही, उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। तो ये पूरा सारांश है आगे जो भी डिस्कशन होने वाला है उसका। तो अनेजत मतलब भगवान स्थिर है, कहां पर? अपने आध्यात्मिक धाम में। और मनसो जवी यहा, लेकिन वो मन की गति से भी तेज है। अभी मन की गति क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट लेता ना, लेकिन मैं अभी सूर्य के बारे में चिंतन करूं तो माइंड का स्पीड क्या है? तो उससे भी ज्यादा वो वेगवान है। तो अब ये विरोधाभास हुआ ना, कोई व्यक्ति स्थिर है तो वेगवान हो सकता है, वेगवान है तो स्थिर हो सकता है? नहीं। लेकिन ये जो अचिंत्य भगवान के अचिंत्य गुण या क्रियाएं हैं, इनका वर्णन अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि ईश उपनिषद है ना, ईश के बारे में बताया जाएगा। ईश कौन है? तो ये ईश के बारे में बताने से पहले बताया गया था कि ईश को अप्रोच कैसे करना है जिससे द्वारा तुम उनको जान पाओ, तो वो सब ईशावास्य वगैरह उसमें हमने देखा। तो कोई कहेगा ये इतने फास्ट है आपके भगवान, तो कोई तो रहेगा जो इनको पकड़ लेगा। बोलते हैं नहीं ना, देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, उनके पीछे कितना भी तेजी से क्यों ना चल के दौड़ के उनको पकड़ने का कोई प्रयास करे, वे उन देवताओं के द्वारा भी नहीं पकड़े जा सकते जिनके पास ऐसे सामर्थ्य हैं। तो कोई कहेगा नहीं, कोई तो ऐसा व्यक्ति रहेगा जो दौड़ लगा के भगवान को मैराथन में परास्त कर देगा। बोलते नहीं, तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, दौड़ लगाते समय उनके दौड़ की तीव्रता को लांघ कर कोई उनके ऊपर उनके आगे नहीं जा सकता। तस्मिन उनमें भगवान में आप मातरिश्वा दधाती, हालांकि भगवान एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन उनका जो कंट्रोल है वो आप मतलब वर्षा और मातरिश्व मतलब वायु तथा जल के जो देवताएं हैं
मातरिश्व नाम के, इनके ऊपर उनका कंट्रोल चलता है, हालांकि वो एक ही जगह पे बैठे हैं। तो कोई कहेगा अरे ये तो कोई बड़ा माफिया लग रहा है दाऊद इब्राहिम बैठा कहीं है, कंट्रोल कहीं चला रहा है। तो बोलते नहीं, उसका आगे वर्णन आएगा कि ये जो व्यक्तित्व है भगवान का, ये एक निगेटिव व्यक्तित्व नहीं है। हालांकि ये अचिंत्य है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इनका संभ्रम करने वाली इनकी व्यक्तित्व है, लेकिन आगे जैसे ये श्लोक बढ़ेगा तो समझ में आएगा भगवान बहुत सही व्यक्ति है, बहुत अच्छे है। वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अभी इस वर्णन में ऐसा लग सकता है कि अरे ये स्विफ्टर देन द माइंड, कंट्रोलिंग एवरीबडी इन द क्रिएशन विदाउट इवन गोइंग देयर, तो ये क्या वर्णन हो रहा है। तो ये हुआ मंत्र का अर्थ, कि मंत्र कैसे अर्थ लगाना है। अभी पहला जो पैराग्राफ है उसमें वो अनेजत और मनसोजवीयो, इन दो शब्दों का वर्णन आ रहा है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। कौन सा श्लोक है ये? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कह रहे हैं कि मन मुनि पुंगव, मतलब मुनियों में मन को जो अपना बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे लोगों में जो श्रेष्ठ है मुनि पुंगव, वो कितना भी अपने मन से प्रयास करे तर्क करने का, वो भगवान के प्रपदसिम्नी, मतलब पद मतलब चरण कमल, प्रपद मतलब चरण कमल का अगला भाग मतलब नाखून, तो उसके भगवान के नाखून से निकलने वाली जो आभा है, प्रकाश है, उस तक वो नहीं पहुंच पाता है कितना भी प्रयास करे। पूरे व्यक्ति को जाना तो छोड़ो, वो कह रहे कि वहां तक भी नहीं पहुंच सकता है, ऐसे इस श्लोक में वर्णन किया गया है। फिर आगे कहते हैं परम भगवान का अपना दिव्य धाम है, गोलोक धामनी निज धामनी तले च तस्य। तो उसके बाद जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश, हीट एंड लाइट से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, वह अपना प्रकाश और ताप कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है, ऐसे ही भगवान दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि बिल गेट्स है, तो बिल गेट्स के तीन रूप है। पहला रूप क्या है? उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, और उसके अंदर जो भी नियम कानून चल रहे हैं, पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, और जो गवर्नेंस हो रहा है, शासन हो रहा है, वो किसका है? बिल गेट्स। तो कोई कहेगा कि ये जो गवर्नेंस है ना, ये ही बिल गेट्स का साक्षात्कार है। आई अंडरस्टूड व्हाट इज बिल गेट्स। तो एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं। फिर हर एक कंपनी के मॉनिटर पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल गेट्स कभी भी उपस्थित हो सकता है कि नहीं, और अपने एम्प्लॉइज को आदेश दे सकता है, तुमको आज ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये काम दे सकता है। तो ये जो बिल गेट्स का क्षमता है कि हर एक मॉनिटर पे उपस्थित रह के मार्गदर्शन करना, ये एक उसका अलग साक्षात्कार है, एक अलग। फिर वास्तविकता में बिल गेट्स है कौन? वो कहीं तो स्विट्जरलैंड में अपने परिवार के साथ आइस स्केटिंग कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट चल रही है अपने आप। ये महाराज की दर्द हो, क्या कहते हैं, आइस स्केटिंग वो कर रहे हैं। तो आइस स्केटिंग वाले जो बिल गेट्स है, ये मॉनिटर कंट्रोल वाले थे, ये गवर्नेंस कंट्रोल वाले थे। तो ये तीन जो है इनको कहते हैं
ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये उदाहरण है, बिल गेट्स को नहीं बोल रहे हम। ऐसे ही भगवान जो है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान एक शक्ति है, प्रकाश है, यू नो गवर्नेंस इधर चल रहा है उनका, उस शासन चल रहा है, तो एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। फिर परमात्मा क्या है, मॉनिटर टू मॉनिटर कंट्रोल रखते हो हर एक का क्रियाकलाप के ऊपर नियंत्रण रखते। लेकिन वास्तविकता में भगवान कहाँ है, अपने गोलोक धाम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आनंद ले रहे हैं। और क्या लाइफ है उनका, क्या फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करके रखा है भगवान ने लीला संपन्न करने के लिए। तो वो जो फीचर है व्यक्ति, वो सबसे बेस्ट है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो भगवान है, ये इनके अलग अलग विस्तार रूपों के द्वारा, और यही भगवान की शक्तियां होती हैं, जैसे अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ, ये भी आगे आएगा वर्णन। तो हम कौन है, हम भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति। तो ये जो भगवान एक ही जगह पर है, वो वहां से ही सब कुछ कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसका यह वर्णन दिया गया है। और इसको कैसे जाना जा सकता है, तर्क के द्वारा नहीं, भक्ति के द्वारा, यह इसका पूरा तात्पर्य में आएगा। तो दूसरा पैराग्राफ में शक्तियों का वर्णन, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। तो अंतरंग शक्ति क्या है, उनकी आध्यात्मिक चिदाकाश, जो शाश्वत, भगवान कहते हैं ना, परस्तस्मात् तु भाव अन्यः व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। इस भौतिक जगत के पर एक दूसरा भाव मतलब नेचर है, वो इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली प्रकृति से भी ऊपर और सनातन अस्तित्व रखने वाला है, तो वो है अंतरंग शक्ति या चित शक्ति। उसके बाद है बहिरंग शक्ति, ये है भौतिक आकाश, ये यहां पे हम लोग रह रहे इधर प्रिजन हाउस, ये बहिरंग शक्ति। जैसे राजा होता है उसकी आवर्ती रानी, नावर्ती रानी, है ना, ऐसा होता है ना, तो वैसा ही कुछ है ये। तो ये बहिरंगा शक्ति कौन है, माया देवी। और माया देवी क्या है, वो उसका कार्य है कि ये जीव को जो है वो लाइन पे लेके आने का, तो ये बहिरंगा शक्ति। फिर तटस्था शक्ति कौन है, जीव है, हम सब। इसको तटस्थ क्यों कहा गया है, जैसे तट होता है पानी के प्रभाव के या रेती के प्रभाव में होता है, ऐसे ही ये जीव शक्ति जो है, ये अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में या बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में स्वेच्छा से रह सकती है, वो उसको तय करना है कहाँ रहना है। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ दैहिम प्रकृतिम आश्रिताः, जो सही जीव होते हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। अगर वहां आश्रय नहीं लेते तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। तो इच्छा और द्वेष के कारण हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं और दुखों को भोगते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि ये भगवान से भौतिक प्रकृति आ रही है तो इतना हॉरिबल क्यों है, इसका मतलब भगवान में भी कुछ तो हॉरिबलनेस है कि नहीं, इफेक्ट में दिख रहा है परिणाम में, तो कॉज में होना चाहिए ना, कारण में, नहीं तो ये इफेक्ट में कैसे आएगा। तो इसके लिए वो थोड़ा दोष ढूंढना चाह रहे थे भगवान के अंदर। लोग गाते ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, वो जब खास करके दुख होता है व्यक्ति को तो बहुत ये क्वेश्चन तो उसको आता ही आता है, क्यों बनाया। तो भगवान उसका जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। तो इसका कारण क्या है कि जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारी छाया हमें दिखाई नहीं पड़ती, सूर्य से विन्मुख होते हैं तो हमारी छाया हमें दिखाई पड़ती है, तो क्या यह सूर्य का दोष है, छाया किसने निर्माण की, अगर सूर्य नहीं होता तो छाया आती थी क्या, नहीं आती थी, चाहे हम किधर भी देखे छाया नहीं आती, तो सूर्य से ही छाया दिख रही है। लेकिन क्यों दिख रही है, उन्मुख है कि विन्मुख है,
उसके कारण दिख रही है, तो दोष किसका है? ऐसे ही माया जो है किसके लिए अस्तित्व में नहीं है? जो कृष्ण उन्मुख है, लेकिन जो कृष्ण से विन्मुख है उनके लिए माया अस्तित्व में है। तो ये प्रॉब्लम किसका है? हमारा प्रॉब्लम है, कृष्ण का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए भगवान में कोई खोट नहीं है। और एक उदाहरण देता हूं, वीडियो गेम जब डिजाइन किया जाता है कोई, तो वीडियो गेम में कैसे होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और उसको खेलते समय आप अगर सही मूव्स करते हो तो सही नतीजे आते हैं और आपका जो भी स्कोर बढ़ता है, और उल्टे सुलटे निर्णय लेते हो तो आपका धुलाई पिटाई होता है गेम के अंदर। तो गेम डिजाइनर जो है, क्या वो केवल आपको हराना ही चाहता है या जीतना भी चाहता है? वो आपके क्षमता के अनुसार आपको लेवल्स बना के देता है, और आपके ऊपर है आप कहां तक कितना खेल सकते हो। और आपने चूज किया था वो गेम खेलना। इतने वीडियो गेम बनाने वाले लोग हैं, हम अगर गेम नहीं खेलना चाहते हमारे लिए उसका कुछ मायने रखता है? वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जब गेम खेलना चाहते हैं तब वो सब अस्तित्व में आता है। ऐसे ही माया है, वीडियो गेम है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हमको वो मगजमारी करते बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, ये वीडियो गेम तो मैं खेल के ही छोड़ूंगा, यू नो, तो फिर हम उसमें उलझ जाते हैं ज्यादा। तो ये भगवान की आयोजना है, दिस इज द अरेंजमेंट। तो कोई लोग कहते हैं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं भगवान ने करना चाहिए था उनको, या तो हमको एक तो स्वेच्छा नहीं देनी चाहिए थी, प्रेम करना है तो फिर जबरदस्ती करवा ही लो ये क्या है, दो पहले स्वेच्छा दो फिर दो। मैंने एक बार अदालत महाराज को प्रश्न पूछा था, मैंने बोला महाराज ये क्या अरेंजमेंट है, भगवान कहते हैं कि तुम या तो मेरे को सरेंडर करो और आध्यात्मिक जीवन में आनंद लो, या तुम मेरे को सरेंडर मत करो और भौतिक जीवन में दुख उठाओ, तो ऑप्शन किधर है? मैंने प्रश्न पूछा उनको, तो महाराज ने मेरी तरफ देखकर कहा नाउ यू अंडरस्टूड। फिर महाराज ने बोला कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि शरणागति में दुख है, क्योंकि तुम दास्यत्व के आनंद को जानते नहीं हो, तुमको वो स्वामित्व का आनंद ही चाहिए। लेकिन तुम अगर समझोगे तत्व के अनुसार कृष्ण श्रेष्ठ है, लेकिन रस के अनुसार राधा रानी श्रेष्ठ है जो सेविका है, ये तत्व उनके पीछे घूमता रहता है मतलब वो उनका क्या बोलते हैं उसको, एक पेट ऐसे भगवान उनके पीछे घूमते रहते हैं। यशोदा है वो कृष्ण को कंट्रोल करती है। तो हम बोल रहे तुमको भगवान क्यों बोलना है, भगवान से बड़े बनो तो तुम किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। ये सेवा इतनी अच्छी है कि कृष्ण स्वयं सेवक बनकर उस सेवा रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो चैतन्य महापुरुष के रूप में आते हैं। बोलते ये भक्त लोग ना, ये इतना एक्सटेसी क्या आता रहता है इसको, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे भी अनुभव नहीं है, वो कह रहे हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि गुलाब का फूल है, उसको खुद का सुगंध मालूम है, उसका सुगंध किसको मालूम? सूंघने वाले को। ऐसे ही भगवान की भगवत्ता की महिमा या उसकी उसका आनंद किसको मालूम? हमको मालूम, डिवोटीज को पूछने का, वो कृष्णा को नहीं मालूम है कृष्णा कितने स्वीट है। तो इसीलिए वो कृष्णा आते हैं दास के रूप में। अगर कृष्णा स्वामी अपना पोजीशन छोड़ के दास बनना चाहते हैं तो हम क्या स्वामी बनना चाहेंगे कभी? अरे तुम बेटर हो तुम्हारे स्वामी पोस्ट पे हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम ये बनेंगे। और इसके भी आगे जाकर आप जब दास दासानुदास बनते हो तो आनंद वर्धन होता है। जैसे राधा रानी को एक्स अमाउंट का आनंद आ रहा है जो कृष्ण के आनंद से ऑलरेडी 1000 गुना ज्यादा है, और कृष्ण सोच रहे इसको क्या आनंद आ रहा है। फिर राधा रानी की जो सेवक है जैसे गोपियां हैं, वो राधा रानी को कृष्ण की सेवा में लगा रहे तो उनको आनंद आ रहा है, वो 100,000x है, मतलब राधा रानी के आनंद से ज्यादा है। तो राधा रानी देख रही है इनको कैसे आनंद है। फिर उनके जो नास है वो मंजरियां हैं, उनके नीचे वाले जो लोग, उनका आनंद और द्विगुणित होता है। तो ये जो है, ये दास दासानुदास जो हम कहते हैं ना, ये बनने का जो मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है भाई, दुख का नहीं ये हमें पहले समझना चाहिए, नहीं तो हमको लगता है क्या भगवान ने सिस्टम बना के रखा है, क्यों दास बनना है मेरे को, छोड़ दो मुझे ये लो, ये क्या है, ये सब फिलोसॉफी सुना के ये लोग मेरा उल्लू बना रहे
लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि ना भाई सेवा करो सेवा करो, भगवान सब एंजॉय करते रहेंगे, मैं कब एंजॉय करूंगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मेंटल डिजीज है हमारा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारा, कि हमारा पैराडाइम शिफ्ट ही नहीं होता है कभी कि मैं सेवा के द्वारा अनंत अगणित आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये जब समझ में आएगा, ये तटस्थ जीव जो है खुश रहेगा अपनी अपनी, क्योंकि वो भी पूर्ण है ना, उसका जब कनेक्शन है भगवान के साथ उसमें क्या हो जाता है, वो परिपूर्ण एकदम खुश। हाँ, तो उसमें जो उसको आनंद आता है, वह आनंद जो है वो भगवान भी अनुभव करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम तत्व पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा इज सुप्रीम, फ्रॉम रस पॉइंट ऑफ व्यू डिवोटी इज सुप्रीम, बिकॉज डिवोटी कंट्रोल्स कृष्णा एंड ही हैज सर्टन फीचर्स दैट ही रिलीजेस दैट कृष्णा डजंट नो कि ये उसका रिलीज क्या है, उसका आनंद क्या है, वो फीचर्स इनको एक्सेसिबल नहीं है। समझ गए, दास बनने से किसी को कुछ प्रॉब्लम? दास दासानु दास बनने से किसी को कुछ प्रॉब्लम? ऐसे पूछ रहे जैसे टांग तोड़ दूंगा तुम्हें, ऐसे नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। नहीं तो हम हमेशा ये प्रॉब्लम को लेके, कभी अभी प्रोजे ने पूछा था मेरे को, क्या भगवान ने क्यों बनाया सब सिस्टम, आपने पूछा था ना शायद कि वाई कृष्णा इज मेकिंग दिस, जीव आता ही क्यों इधर फिर भौतिक जगत में, चुपचाप बैठे रहो वहां पर खुशी खुशी। तो ये सब कारण है उसका, कि हम दासत्व को भूलकर स्वामित्व प्राप्त करना चाहते हैं और फिर इस जगत में आते हैं। तो कभी कभी हमको ऐसे खुद के पीठ पर थपथपा के बोलना चाहिए, जीवा बी हैप्पी इन सर्विट्यूड, बीच बीच में थोड़ा हरि बोल, बाल गोविंद दासा बी हैप्पी यार सर्वेंट, तो थोड़ा याद दिलाना चाहिए बीच में। तो यह तटस्थ शक्ति का दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आता है, ठीक है। तो ये अंतरंगा बहिरंगा तटस्था का करना क्या है, उसका वर्णन था। अभी तीसरा वो मैंने बताया, अनेजत और मनसो जवीयो, उन ये दो शब्दों का वर्णन है। वो भगवान अनेजत मतलब एक जगह कैसे स्थित है फिर भी वो अपनी शक्ति को कैसे विस्तार कर रहे हैं। एकादेश स्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परास्य ब्रह्मण शक्ति, तो ये वर्णन है। अभी तीसरा परिच्छेद, उसका शीर्षक है सीमित शक्तियों से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो लास्ट लाइन है उसका, उस पैराग्राफ का, तीसरे पैराग्राफ का वो उसका शीर्षक है। और उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि भगवान व्यक्ति हैं, हालांकि दिखाई पड़ता है शक्तियां, शक्तियां जनरली निराकार होती है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भगवान भी निराकार है। शक्तियां जो दिखाई पड़ रही हालांकि निराकार दिख रही है, उनके पीछे एक व्यक्ति है। फिर चौथा पैराग्राफ, वो 10.2 कौन सा है वो, नमे विदु सुरगणाः प्रभवम् न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः, वो जो श्लोक है वही उसका शीर्षक है कि नमे विदुः सुरगणाः, देवता सुरगण और महर्षि तक मुझे नहीं जान सकते क्योंकि मैं उनका स्रोत हूँ, तो वो कैसे मुझे पूरा पूरा जान पाएंगे। यह वो चौथे श्लोक में बोला गया, नमे विदुः सुरगणाः। फिर पांचवा, मेरा हिंदी थोड़ी गड़बड़ है इसलिए मैं इंग्लिश में एक बार देख लेता हूँ। Thank you.
इसका शीर्षक है पांचवें का, वी आर लिमिटेड, हम सीमित हैं, वी कैन अंडरस्टैंड अनलिमिटेड ओनली थ्रू रेवलेशन। अनंत भगवान को सीमित जीव केवल रेवलेशन, भगवान जब स्वयं को प्रकट करते हैं उसके द्वारा ही जान सकता है। सीमित जीव असीमित भगवान का साक्षात्कार उनकी कृपा से ही या उनके द्वारा खुद प्रकट होने से ही प्राप्त कर सकता है। सीमित जीव असीमित भगवान का साक्षात्कार उनकी कृपा से ही प्राप्त कर सकता है, तो ये उसका शीर्षक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप दसवें अध्याय के अगले वाले श्लोक पढ़ोगे, तीसरा चौथा इत्यादि, तो उसमें आता है वर्णन भगवान से कौन कौन सी अलग अलग विभूतियां उत्पन्न होती हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारे जो दिव्य गुण हैं, जैसे ज्ञानार्जन करने की क्षमता, तपस्या करने की क्षमता, किसी चीज को धारण या आकलन करने की क्षमता, ये सारी मेरे से आती है। अगर ये क्षमताएं भगवान से आती हैं तो भगवान कितने बड़े होंगे, और इन क्षमताओं के द्वारा क्या हम भगवान को समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते। तो इसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है कि इफ लॉजिक कैन अंडरस्टैंड गॉड देन लॉजिक बिकम्स गॉड विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज लॉजिक इज अ सबसेट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तर्क के द्वारा अगर हम भगवान को जान सकते थे तो तर्क भगवान बन जाता था क्योंकि भगवान उसके अंडर आ गए ना, तो ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि तर्क करने की क्षमता भी भगवान से आती है, तो उसके द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, वो रेवलेशन के द्वारा ही जान सकते हैं। तो इस दुनिया में ज्ञानार्जन के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है विज्ञान या साइंस, जिसको हम आजकल कहते हैं, उसको संस्कृत नाम नहीं देंगे। दूसरा मार्ग है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, है कि नहीं? अब ये साइंस वाले लोग हो या स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हो, इन दोनों में क्या साम्य है और क्या भेद है, कोई बता सकता है? साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में समानता क्या है? एग्जैक्टली ये दोनों भी किसकी खोज में है? परम सत्य क्या है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, उसको ढूंढने के लिए निकले, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये लोग बोलते हैं देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, एक ऐसा समीकरण रहेगा जो टी शर्ट पे लिखा जा सकता है, जिसमें इस दुनिया के सारे शक्तियों का या सारे नेचुरल फेनोमेनन, वो उनका कारण जो है वो एक इक्वेशन के द्वारा हम बता देंगे आपको, वो उसको बोलते हैं जीओटी। और ये लोग बोलते हैं वो जीओटी नहीं है, वो जीओडी है वो कौन है? मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम, आई एम दैट सूत्रा दैट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर, सूत्रे मणिगणाइव। तो वो सूत्र कौन है? भगवान है, कृष्ण है। तो ये दोनों का गोल एक ही है, परम सत्य को ढूंढना। इनमें और एक साम्य है, इनका जो है थियरी, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, ये दोनों का मेथड सेम है, कार्य पद्धति जिसको कहते हैं वो सेम ही है। तो इसमें होता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजना। तो आप साइंस में जाओगे तो क्या होता है? पहला थ्योरी, हाइपोथेसिस होता है, नो ये ऐसा हो सकता है क्या वगैरह वगैरह,
फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट होता है, फिर कंक्लूजन निकलता है। ऐसे यहाँ पर भी तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, थ्योरी, फिर टेंपल रूपी लैबोरेटरी में चले जाओ, उधर जाके हरे कृष्ण नामक चेतना शुद्धिकरण यंत्र का उपयोग करो जो भी चेतना शुद्ध हो जाएगी जपमाला के संपर्क में, नाम लेते लेते फिर प्रयोजन में जीवे रसुरूप होए कृष्णे रनित्य दास, वो तुमको चमकने लगेगा अचानक। तो ये क्या हो गया, संबंध। तो मेथड जो है, कार्य पद्धति, वो भी समान ही है। अभी भेद क्या है दोनों में, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में? इनमें पहला भेद यह है कि साइंस जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित है, जैसे हमने पहले इसकी बारे चर्चा की है, इसको विस्तार नहीं करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी किस पर आधारित है? शब्द, इसको ही रेवलेशन कहते हैं। अगर भगवान के बारे में जानना है तो कहां से ज्ञान मिलेगा? भगवान खुद बताएंगे तो मिलेगा ना। मैंने उदाहरण दिया था आपको, अगर बराक ओबामा या प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जानना है तो कहां से जान सकते हो? एक है कि आप बैठ के तर्क करते रहो कि यह वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, और दूसरा है कि जाके सीधा उनसे पूछो, या उनको जो प्रेम करते हैं उनसे पूछो, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सो दैट इज कॉल्ड एज शब्द। प्रत्यक्ष अनुमान से जो पता नहीं चलेगा वो शब्द से अच्छा पता चलेगा। तो ये भेद है इनका इसमें। दूसरा एक भेद है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में, वो यह है कि दे स्टार्ट फ्रॉम मैटर एंड एंड इन मैटर। मतलब जड़ तत्व से शुरू करते हैं वो लोग कि लाइफ जो है केमिकल से आ गई, या ये जो सृष्टि जो है वो एनर्जी मैटर स्पेस एंड टाइम इसके कारण आ गया। तो दे स्टार्ट विद मैटर एंड एंड विद मैटर, उनका ऐसा रहता है। एंड ये क्या है स्पिरिचुअलिटी, दे स्टार्ट विद स्पिरिट एंड देन दे एंड विद स्पिरिट। वो बोलते कि नहीं, जीवन जो है वो चेतन तत्व से आता है, कुछ समय भौतिक अस्तित्व में रहता है, वापस पुनः अपने आध्यात्मिक चेतन अस्तित्व को पुनः प्राप्त करता है। समझ रहे हैं? तो ये इनमें फर्क है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन लाइफ में। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्यों खड़ा कर रहे हैं वो बताते हैं अभी, क्योंकि इधर आने वाला है कुछ। तो भगवान के प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। मिला लाइन आपको, फिफ्थ पैराग्राफ। ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुमको थोड़ा बहुत मैटर के बारे में जानना है, शायद इससे कुछ काम बन जाए, लेकिन स्पिरिट के बारे में कुछ जानना है ये यूजलेस है, व्यर्थ है ये, इधर जाओ मत, इधर से चालू करो। और वो शुरुआत इधर से होगी, शब्द रिवेलेशन से। बहुत कुछ मालूम हो सकता है कम समय में, और उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमसे वाले से भावनात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, आप खुद अनुभव कर सकते हो इन चीजों को। क्वेश्चन, स्क्रिप्चर इन सिंपल, शास्त्र। क्योंकि आपका जो हार्ट में रिवील हो रहा है वो इसके साथ मैच होता है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में क्या रिवील हुआ था? शास्त्र रिवील हुआ था ना, शब्द रिवील हुआ था, वैदिक साहित्य। नहीं नहीं नहीं, शब्द सुनने के बाद तुरंत साक्षात्कार क्यों नहीं आता? क्योंकि अनर्थ है अभी भी। तो अनर्थों का निराकरण करना है तो गुरु सेवा करनी पड़ेगी। जितनी हम गुरु के आदेशों के अनुसार सेवा करते हुए सेवा भावना को बढ़ाते हैं,
अनर्थ निराकरण होते हैं, फिर शब्द में रुचि आती है और शब्द का साक्षात्कार भी प्राप्त होने लगता है। तो ये था यहां तक का काम। अभी छठा पैराग्राफ, अभी इसका शीर्षक है प्ले योर पार्ट एंड यू विल बी गिवन द अंडरस्टैंडिंग। तुम क्या कहते हैं उसको, नियत कर्तव्य करो, नियत कार्य करो, नियत कर्म मतलब वो ईशावास्य कर्म पहला वाला जो बताया था वो करते रहो। लुप्त भगवत चेतना पुनर्जागृत होगी, ईशावास्य ऐसे नियत कर्तव्य करो तो लुप्त भगवत चेतना पुनर्जागृत होगी। ये सिक्स्थ पैराग्राफ का शीर्षक। कृपया पढ़िए कोई, ये माइक सिर्फ प्रभु जी के पास घूम रहा है क्या? सिक्स्थ वन, परम पुण्य का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। अमेजिंग। तो भगवान हमसे चाहते क्या है? भगवान चाहते हैं कि हम एक को क्रिएटर बने उनके साथ, हम उनके साथ एक कोऑपरेटर एंजॉयर, कोऑपरेटर प्रोप्राइटर, कोऑपरेटर कंट्रोलर बने। एक मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं, कंट्रोलर प्रोप्राइटर एंजॉयर, जनरली हम बोलते नहीं बनना है हमको, लेकिन हम बोले नहीं बनो, किस प्रकार से कोऑपरेटर। तो जैसे कोई फैमिली होती है बड़ी, उसमें पिताजी की इच्छा क्या होती है, लड़के ने क्या करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, बस सिंपल बात, हाथ बटाओ। जो पिता है उनकी इच्छा नहीं है कि इसके ऊपर डोमिनेट करो या इसको दबा के रखो या मैं इसका शोषण करता रहूं, यह उनकी भावना नहीं होती है। उनको चाहिए कि ये मेरे से भी अच्छा बने और बहुत करे तरक्की। ऐसे ही भगवान में यह वृत्ति है और वो चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ कार्य करें हमारे जीवन के द्वारा जिसके द्वारा हम ये जो भगवान की कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एंजॉयरशिप है उसको और बढ़ा दें और हम भी उनके क्या कहते हैं अखत्यारी में, उनके ही अंडर अपने दास्यत्व को उनके सेवा में प्रस्तुत कर पाए। तो कभी कभी हमारे हृदय में जब प्रेरणाएं आती हैं कि ये सेवा में करूं कि नहीं, तो हम जनरली क्या सोचते हैं, एक भक्त देव बोल रहे थे प्रभु जी मैं प्रचार नहीं करना चाहता। क्यों प्रचार नहीं करना चाहते? तो बोले प्रचार करते हैं ना प्रभु जी, लोग बहुत सम्मान देते हैं। फिर वो बोलते कि ये हमारे प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु वगैरह वगैरह वो है, फिर वो मेरे दिमाग में चला जाएगा तो मेरा नो ईगो का गुब्बारा भर जाएगा, फिर मेरा पतन हो जाएगा प्रभु जी, तो इसलिए मैं प्रचार नहीं करूँगा। इंटरेस्टिंग लॉजिक है ना। कोई दूसरे भक्त थे बोले फंड रेजिंग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते फंड रेजिंग? बोले फंड रेजिंग में डेंजर ये है प्रभु जी कि लोग समझेंगे कि इस कौन कुछ बेगर लोगों का आंदोलन है,
भीख मांगे लोग है ये, जहाँ वहाँ जाके भीख मांग के लाते हैं डोनेशन कलेक्ट कर, इसलिए मैं वो बैड इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता समाज के ऊपर, इसलिए मैं डोनेशन कलेक्शन नहीं करूँ। किसी तीसरे ने बोला कि मैं जब भी कुकिंग करता हूँ ना तो जानबूझ के तो अच्छा कुकिंग नहीं करता हूँ, क्यों, थोड़ा सा कुछ तो उल्टा सुलटा कर देता हूँ ताकि लोग ना ज़्यादा है तो सेवा नहीं दे मेरे को, या फिर मेरे को गर्व ना हो, कोई बोलेगा आप क्या प्रसाद बनाते हैं प्रोजी, तो हर टाइम प्रसाद बनाने को लगाओ इसको। अभी ये क्या फ्लॉड लॉजिक है ये, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे ना, तो ये दास दास अनुदास की भावना नहीं है। हालांकि लग सकता है कि मैं कितना महान काम कर रहा हूँ, मैं तो प्रचार के लिए जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे को गर्व हो जाएगा। भाई तुमको वो चैलेंज स्वीकार करना है प्रचार करने का, फंड कलेक्शन का, जो भी विग्रहों का ड्रेसिंग करने का, और तुमको नम्र रहना है, ये तुम्हारा काम है। तो हमारा समस्या क्या है, जन्म कर्म च में दिव्यम, ये हमारा समस्या है कि माय बर्थ एंड एक्टिविटीज आर वेरी डिवाइन, और कृष्णा का जन्म कर्म हो तो उनका वो देख लेंगे, हमको उससे कुछ देना देना नहीं। वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू आवर ओन बर्थडे, हम अपने जन्मदिन को इतना महत्व देते हैं, और आवर ओन एक्टिविटीज, हमारे कर्म को बहुत महत्व देते, लेकिन हम हमारे जन्म कर्म को अवास्तविक महत्व देते हैं तो क्या होता है, दो चीज होते हैं, एक तो हम ईगोमेनियक बन जाते हैं या हम डिप्रेशन में जाते हैं, है कि नहीं, एकदम पेंडुलम का एक्सट्रीम एंड में जाते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम जानने लगते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब वो कृष्णा के जन्म कर्म दिव्य है, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, कॉन्फिडेंस एंड ट्रू ह्यूमिलिटी, कितना अच्छा है ना, व्यक्ति कॉन्फिडेंट है वो जो कर रहा है उसमें, उसको पता है मैं ना प्रचार करने जाऊंगा 10 लोगों को शेविंग करके ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कराने लगाऊंगा, 20 लोगों को जाके अच्छा सा गृहस्थ बनाऊंगा, नित्यानंद सभा ज्वाइन करके पूरा ट्रेनिंग देके उनके बच्चों का पूरा गर्भाधान संस्कार से लेके उसका शादी तक पूरा सिस्टम सेट करा के रखूंगा एजुकेशन का, ताकि वो कहीं इधर उधर ना जाए भटके भक्ति में, तो ये क्या है उसका। लेकिन क्या वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ऐसा महान हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, वो क्या सोच रहा है कि ये जो करने की शक्ति है ये भगवान ने मुझे दी है, मेरे को इसको लगाना है अच्छे काम में, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहना चाहता हूं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी, ये चाहिए हमको, तो इसलिए हमारे हृदय में जो प्रेरणाएं आती हैं कभी कभी उसको दबाना नहीं चाहिए भक्तों को, कभी कभी भक्तों को ऐसा कुछ तो आते हैं स्फूर्ति वाली, मतलब भक्ति में अभी, हाँ वो पहला वाला नहीं, वो मस्तानी आइसक्रीम वाला अभी आया स्फूर्ति उसको, क्या करना है तुमको, प्रभु जी मेरे को ना ऐसा लगता है कि पूना के जितने भी टेम्पल है ना उसके सारे पुजारियों को ना मंदिर में लाके उनका एक डिवाइस कोर्स करा देने का, फिर उनको हाथ में माला पकड़ा देने का, फिर उनको एक शालिग्राम शिला दे देने का, उनको बोलने का शालिग्राम को ऑफर करने का पहले, फिर तुम्हारे देवता जो भी है गणेश दुर्गा वगैरह उनको ऑफर करने का, फिर उसके मंदिर में जो लोग जा रहे हैं प्रभु जी प्रसाद तो खा रहे ना, और ये सारे मंदिर को इस्कॉन को चलाते बैठने की जरूरत नहीं है, पुजारी लोग चलाएंगे, उनको आप एम्पावर करो, और हमको जाके उनमें दखल अंदाजी करने की भी जरूरत नहीं है, हम उनको इधर बैठ के एम्यूनिशन सप्लाई कर सकते हैं कल्चरली क्या करने का, ठीक है तुम दुर्गा अभी नवमी आ रहा है तो उसको ऐसे मनाओ, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है उसको मनाओ, है कि नहीं, तो ये ऐसे कभी कभी स्फूर्ति आती है ना अंदर कि ये करेंगे तो कैसा होएगा प्रभु जी, तो उसको दबाना नहीं चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, तो प्रभा जी बार बार बोल रहे उसको, आप वो लाइन को पढ़ो, भगवान के द्वारा हमारे लिए जो नियत कार्य है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि भगवान में है क्रिएटिविटी, तो किसमें भी है अंशात्मक रूप में, जीव में भी है, भगवान में है एंजॉयरशिप टेंडेंसी, कंट्रोलरशिप टेंडेंसी, प्रोपराइटरशिप टेंडेंसी, वो जीव में भी है क्योंकि वो उनका ही अंश है। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए सेवा की ओर भागना चाहिए, सेवा से दूर नहीं भागना चाहिए।
और ये एक मार्ग है, हम हमारी जो खोई हुई चेतना है माया के चंगुल में उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। माया को बोल सकते हैं इसको छोड़ो, अभी तुम हमें इसको इधर स्पिरिचुअल में डालना है, इसको इधर बढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवद गीता में, वो एक छोटी चिड़िया थी, उसने अंडा दिया, वो समुद्र के तट पर दिया था, तो एक बड़ी उसको लेके गई, जो लाट आई वो अंदर लेके गई, फिर वो चिड़िया बोली अरे समुद्र देव है नो वापस करो, तो समुद्र वाले चल घर जा कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने कहा देखो वापस करो नहीं तो सुखा दूंगी तेरे को, तो समुद्र कर गया, बोले क्या पागल है, बोले जा जो करना है कर, सुखाना है सुखा। तो वो चिड़िया जो है एकदम डट कर प्रयास कर रही थी, जाती थी चोंच में समुद्र का एक बूंद पानी लेके आती थी और कहीं ड्राई लैंड में जाके डालती थी, फिर वापस आती थी फिर डाल रही थी, तो समुद्र देख रहा है क्या पागल है कितने साल करता रहेगा ऐसा लेकिन एक बीच में क्या हो गया, गरुड़देव जो थे प्रभुपाद जी लिखते हैं ही सॉ दिस एंडेवर, उद्यम अपने जो छोटी बहन है उसका ये उद्यम किसने देखा, गरुड़देव ने। तो गरुड़देव आए बोले क्या हो गया, ये क्या चल रहा है तुम्हारा, बोलते हुए मैंने अंडे लेके गया दादागिरी करके। तो गरुड़देव गए समुद्र के पास, बोले ए उसके अंडे वापस कर वरना मैं तेरे को सुखा डालूंगा तो समुद्र देव ने चुपचाप लाके वो अंडे वापस दिए। तो प्रभुपाद जी किस लिए बताते हैं, हमारी जो खोई हुई चेतना है बहिरंगा शक्ति को हमने क्या कर दिया, वो फ्लैट रेंट कर दिया हमारा चेतना का, अभी वो अपना वो होता ना टेनेंट आता है कुछ, तो 10 साल रहने के बाद बोलते मेरा ही घर है अभी तू जाओ अभी इधर से हटो, तो अभी मालिक बैठा है, ही हैज लैंडेड हिज कॉन्शियसनेस, चेतना तो दे दिया, अभी उसको निकलने का कैसे बाहर। तो हम लोग एक ऐसा हुआ था हमारे एक वॉइस में, हमने जो उससे रेंट लिया था ना, तो कुछ तो म्यूनसिपैलिटी के लोग आके दादागिरी कर रहे थे कि ये फ्लैट अभी हम तोड़ने वाले हैं रास्ता और रास्ता बड़ा करने के लिए। तो हमने बोला लेकिन हम तो लीगल है, तुम लीगल को क्यों तोड़ रहे हो, तो नहीं नहीं उनको पैसा चाहिए था बेसिकली। तो हमने बोला देखो हम तो हरे कृष्णा वाले लोग हैं, तो उसने नहीं नहीं तुम या तो पैसा दो नहीं तो तोड़ेंगे तुम्हारा बिल्डिंग। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक एक व्यक्ति आया और पता नहीं कहाँ से आया, उसने मेरे को हाथ में हाथ दे के बोला माझ नाव कृष्णा हाय। मैंने बोला वाव मी ऐकलं की हित काय तर प्रॉब्लम हाय तुमच्या बिल्डिंग, बोला ठीक है तो आपको क्या चाहिए, तो बोलता है कि ये लोग जो म्यूनसिपैलिटी के आके तंग कर रहे हैं ना, मैं इधर का गली का गुंडा हूँ, वो बोला वो मतलब इधर का मैं वो कॉरपोरेटर वगैरह है लेकिन मेरा एक पैरेलल सरकार चलता है इधर, मैं मैनेज करता हूँ इधर के सारे चीज कोणी काय त्रास देणार नाय, आम्ही तुमच्या मंदिरात येऊन प्रसाद खाल्लाय, तुम्ही लोक चांगले आहे फिर उसके गर्लफ्रेंड को ले गया था गुंडा जो था वो, तो मैंने तो ही माझी गर्लफ्रेंड प्रणाम, तो बोलता है कि ये क्या उस आज का संध्या नहीं संध्यानंद क्या उसका नाम आज का नंद संध्या सम पेपर उसका वो वार्ताहर है बोला वो। मैंने बोला क्या कॉम्बिनेशन है एक तो ये गुंडा वो वार्ताहर तो मैंने बोला ठीक है, तो बोलता है इसका भी हेल्प ले सकते हैं, अगर उनने कुछ नाटक किया तो हम पूरे पेपर में बोबाटा कर देंगे कि हम लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो तुम्हारा काम बच जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, हम आपके ऊपर श्रद्धा है हमारी कि आप एक काम कर सकते हो उसको बिठाया प्रसाद खिलाया इतना खुश होके गया, फिर माला दिया जप करने लगाया, वो जप करेगा क्या, बोला करूंगा है ना, फिर वो चला गया, फिर उसके बाद वापस कभी नहीं मिला मेरे को उसके, और गया तो गया ही, मैं बहुत ढूंढा उसको, अरे किधर है वो यू नो कृष्णा और लेकिन हमारे बिल्डिंग में नहीं टूटा, वो भी इंटरेस्टिंग था, वो वापस वो म्यूनसिपैलिटी के लोग भी नहीं आए कभी कुछ चर्चा करने के लिए। हाँ उसने एक इंट्रोडक्शन में बोला था माझं नाव कृष्णा हाय, माझ्या नावावर 10 फुल मर्डर आणि 5 हाफ मर्डर आहेत। मैंने बोला धन्यवाद ये इंट्रोडक्शन के लिए बहुत धन्यवाद आपका और उसका हाथ पकड़ा था मेरे 10 किलो का हाथ था वो, मैं तो समझ में आया था उसको कितने देर पकड़ के रखना है तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम भगवान का काम करने निकलते हैं प्रेरणा स्वतः प्रेरणा से कुछ उठाते हैं हम, ये भगवान की सेवा में मैं अच्छे से करूंगा, तो आप देखोगे
कि आपकी जो खोई हुई चेतना है, माया को दी हुई थी आपने, वो प्रॉपर्टी वापस लाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, आपके हेल्प करने के लिए आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं, वो चाहे गरुड़देव हो या कृष्णा हो या कोई भी हो और वो वरना वो असंभव काम है कि नहीं? हमारे तरफ से देखा जाए तो ऐसा काम कौन कर सकता है? हम तो भक्त लोग हैं, हम किसी को मारपीट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हम ऐसे ही बैठे रहते थे। वो बोल रहा था कि तुम्हारा बेडरूम बालकनी बनने वाला है तो मैंने बोला ये भगवान हमारे बच्चे रहेंगे कहाँ? और वो उस टाइम हमारे बच्चों का एग्जाम टाइम चल रहा था, मतलब इंजीनियरिंग पीएल जो है उसके बीच में तोड़ा थोड़ी करेगा तो वो बच्चे का करियर भी बर्बाद उसके साथ, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कृष्णा ने कृष्णा को भेजा। तो भी सातवां और अंतिम पैराग्राफ भगवान, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसका कंक्लूजन पढ़िए। भगवंत सर्वशक्ति से, क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है। सेवेंथ मराठी, वो अच्छा मराठी है, आप ये ले लो। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करनी चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनित सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। कितना सुंदर। तो पहले कौन सा बुक एडवर्टाइज किया था प्रभुपाद ने? भक्ति रसामृत सिंधु। अभी कौन सा एडवर्टाइज कर रहे हैं? भगवत गीता। बोल रहे कि ये पढ़ रहे हो ना, इसके साथ वो भी पढ़ लेना अभी बाद में। तो ऐसे तो इसमें क्या बताया जा रहा है? चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। जैसे कोई कंपनी में काम करता है या गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो गवर्नमेंट उसको एक घर देता है रहने के लिए, गाड़ी देता है, उसका पेट्रोल का पैसा देता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, TADA है ना, ट्रैवल अलाउंस एंड डियरेंस अलाउंस। फिर उसको क्या दिया जाता है, उसको एक घर में उसके प्रिंटर रहता है या उसके केबिन में प्रिंटर रहता है, फिर उसके लिए कागज दिए जाते हैं, बहुत कुछ सुविधाएं मिलती है उस व्यक्ति को। कभी कभी एप्पल आईफोन दे देते हैं। तो इसका क्यों दिया गया है सब? वो कंपनी का सेवा करने के लिए दिया है। अभी वो व्यक्ति बोलेगा मैं अपने ऑफिस से यह 50 पेन उठा के लाया, अपने बच्चों को दे रहे हो, किसी को बोलना नहीं ये फुकट स्टेशनरी तुम्हारे लिए। या फिर वो बोलता है कि प्रिंट आउट निकाल, जितना निकालना है केबिन में बैठ के। कभी कभी भक्त लोग भी ऐसा करते, पूरा एक बोला मैंने पूरा बृहद भागवत अमृत प्रिंट मार दिया मैंने बोला कहाँ मारा? वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर कंपनी में ऑफ कोर्स मैंने बोला क्यों? बोले प्रभु जी उनके बाप का क्या जा रहा है, अज्ञात सुकृति मिलेगी थोड़ी उनको मैंने बोला तुमने पढ़ा नहीं ईशावास्यम इदम सर्वम पहला श्लोक हमने जो चर्चा किया था कि वो उल्टे सुलटे काम नहीं करते भक्तों को। प्रभु जी वो क्या है कि हमारा जो ओनर है वो इतना आध्यात्मिक नहीं है, उसको पता चलेगा तो वो इसको मान्यता नहीं देगा, तो परमिशन से तो होने वाला ही नहीं है काम, तो हमने बिना परमिशन ही कर दिया। तो मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने बोला ये बराबर नहीं है, तुम अगर तुम भक्त अच्छे बनना चाहते हो तुमको ये छोटा छोटा चीज में भी परफेक्ट बनना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जो लाइफ में छोटे छोटे एरियाज में उल्टे सुलटे काम करता रहता है, क्या वो बड़े निर्णय लेते समय सही निर्णय लेगा? नहीं ले सकता। तो ये हमको भक्त बनने के बाद समझना चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, भक्त बनने के नाम पर वो छोटे छोटे गलतियों को दोहराते रहते हैं, बोलते ये तो क्या भगवान थोड़ा नजरअंदाज कर देंगे। नहीं, हमको छोटे 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 चीजों में ही जितना हम अच्छे से कर सकते उतना करना चाहिए, ताकि जब बड़े से बड़े चुनौती आएंगे हमारे जीवन में तो उसमें भी सही निर्णय लेने की क्षमता, सही प्रत्युत्तर देने की क्षमता हमें विकसित होगी। तो इसीलिए जो काम एनर्जीज दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, वो कंपनी की सेवा में लगने चाहिए। फिर पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान के सभी लक्षणों को, गुणों को जानना। कितने गुण है भगवान के?
अनंत गुण है, 64 महत्वपूर्ण है जो हमारे काम के हैं। दूसरा, उनकी शक्तियों को जानना, कितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उसमें से 3 प्रमुख हैं। और ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं उसको जानना। हमारे लाइफ में जो भी शक्तियां हम देख रहे हैं यहाँ वहाँ की, जैसे कोई माता जी है वो भगवान की शक्ति है, कोई प्रभु जी है वो भगवान की शक्ति है, और ये हर एक जो है वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये देख पाना, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी आपके पास माइक्रोफोन है। व्यस्ती जीवात्मा मतलब 4 चीज होते हैं, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि। तो व्यष्टि मतलब पर्टेनिंग टू द सेल्फ, एक जीव जो है उसके उसके संबंधित चीजें, उसको उस सब चीजों को व्यष्टि कहा जाता है। फिर समष्टि मतलब जो अन्य जीव हैं जिनके साथ वह जीव आदान प्रदान कर रहा है और उसके द्वारा समाज का निर्माण, कम्युनिटी का निर्माण हो रहा है, उसको कहते हैं समष्टि, वो एरिया जो है उसको कहते हैं समष्टि। फिर पूरा जो इकोलॉजी है, जो नेचर है, निसर्ग वगैरह, उसको पकड़ के ये लोग उसके अंडर इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं सृष्टि, पर्टेनिंग टू नेचर और इकोलॉजी। और फिर उसके बाद आता है भगवान स्वयं, जो सबके बॉस है, बैठे ऊपर देख रहे क्या चल रहा है सिस्टम में। सो इसका इनके साथ जो रिलेशनशिप है, इसके साथ जो रिलेशनशिप है, इसके साथ जो रिलेशनशिप है, इन सबका एक परस्पर संबंध होता है। वो जितना ये ढंग का बनाते हैं उतने ये लोग खुश रहते हैं। ये फुल पिक्चर है। तो इन इन शब्दों को व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि ऐसे कहा जाता है। तो हमारे जीवन में अगर अच्छा बनना है हमको, तो पहले ये सिस्टम को ठीक करो। वो सिस्टम तभी ठीक होता है जब इसके साथ कनेक्ट होता है। फिर इसको ठीक करो, फिर इसको ठीक करो। तो ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। और कोई प्रश्न? यस। भगवान की इच्छा मतलब 2 प्रकार से हमें भगवान की इच्छा पता चलती है। एक है उनके डायरेक्ट आदेश, जैसे भगवत गीता है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेरिक इंस्ट्रक्शन, सर्वसामान्य उपदेश, जो सबके लिए लागू है, सभी स्थल काल परिस्थिति में वो काम में आते हैं। दे आर कॉल्ड जेनेरिक इंस्ट्रक्शन। तो ये भगवान की इच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अब मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान बुलाएंगे तो आ जाएंगे, यू नो। अरे कृष्णा ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम, बोला ऑलरेडी, मन मना भव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। अभी और क्या बोलना है तुमको? तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके, क्या चाहिए भगवान को हमसे, वो पहला बोला है। तो ये एक लेवल का इंस्ट्रक्शन। लेकिन हमारे जब हम जीवन चला रहे हैं तो उसके अंतर्गत क्या करना है, विशिष्ट स्थल काल अनुरूप, तो वो समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु जो होते हैं वो परमात्मा का माउथ पीस है, है ना? तो अंदर परमात्मा है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम इतने गधे, मतलब सेल्फ एब्जॉर्ब बोलते हैं उसको, कि हमको आवाज रेडियो स्टेशन पकड़ता ही नहीं आता, बाकी सारा नॉइस चल रहा है फुल स्केल वो रेडियो में हमारे। तो फिर गुरु आते हैं बाहर से, तो अलग अलग रूप में, वैष्णव, शास्त्र, गुरु वगैरह वगैरह। तो ये सब भगवान का आयोजन है ताकि दे गिव अस टेलर मेड इंस्ट्रक्शंस, जेनरिक नहीं। तुम्हारे इस परिस्थिति में तुमको क्या करना चाहिए वो बताते हैं। तो दैट ऑल्सो इज भगवान की इच्छा, तो उसको हम पालन करते हैं। पहला तो आप अगर अपने गुरु महाराज से पूछोगे, एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा, महाराज कैन आई गेट सम पर्सनल इंस्ट्रक्शन? तो गुरु महाराज ने कहा कि ऑल माई लेक्चर्स आर पर्सनल इंस्ट्रक्शन टू यू। तो जो मैं बोल रहा हूँ सारे लेक्चर्स में, वो जेनरिक नहीं हो तुम्हारे लिए। और खास करके गुरु जो व्यास पूजा के दिन जो लेक्चर देते हैं, व्यास पूजा जब मनाने जाते हैं, तो केवल अपने शिष्य परिवार को संबोधित करते हैं ना, उनमें वो जो जो बोल रहे हैं ना,
वो हर एक के लिए क्या है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए हमको फिर भी, तो उसका मार्ग क्या है, वो भी है। एक हमारे दासानुदास प्रू करके थे, गुजर गए अभी वो, तो उन्होंने एक बार पूछा था उनके गुरु को कि व्हाट इज योर पर्सनल इंस्ट्रक्शन फॉर मी, फॉलो राधे श्याम। दुनिया वाला तुरंत, पर्सनल इंस्ट्रक्शन क्या है, तुम्हारे जो अभी के अधिकारी व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व है या ढंग से अपने आध्यात्मिक जीवन को चला रहे हैं, तुमको उनके अंडर रखा गया, उनको फॉलो करो। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जो एंगेजमेंट्स हैं, हमारे जीवन के जो जरूरतें हैं, दीज पीपल आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। जब ऐसे वो नहीं कर पाते, वो खुद ही बोलेंगे आपको कि आपको इसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए, है कि नहीं। सो दे विल मेक यू एक्सेस एट दैट टाइम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो टेंथ स्टैंडर्ड का बच्चा उसको पढ़ा सकता है, उसके सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है ऑलमोस्ट, उसके लिए वो पीएचडी वाला आदमी आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमको देखना चाहिए। तो इसलिए आपको शिक्षा गुरु से जाके पूछना चाहिए ना, मेरे लिए टेलर मेड क्या है, वो बताएंगे आपको। आपके लिए टेलर मेड अभी के टाइम प्लस सर्कमस्टेंस में 1 2 3 ये करो, दूध का दूध पानी का पानी। यस, अभी आपने बताया है कि लाइक सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानते थे और उस पे काम किया उन्होंने। यस, बट आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं, हम लोग मोस्टली ग्रेट चार जिसको बोलते हैं फॉलो करते हैं। Yes. तो कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे पहचाने, वो पहला प्रश्न था। तीन मार्ग हैं, एक है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण के द्वारा, दूसरा है पीयर और सुपीरियर ऑब्जर्वेशन, हमारे जो साथ में हमेशा रहते हैं या हमारे जो वरिष्ठ हैं जिनके अध्यक्षता में हम सेवाएं करते हैं, वी कैन सीक फीडबैक। ऐसे बोला जाता है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। चैंपियन लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, फीडबैक खाते हैं। और दूसरे से पूछते हैं कि मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूं, वो बताओ मुझे, उसको बोलते हैं फीडबैक। और तीसरा है एस्ट्रोलॉजी। अभी मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आपको ज्योतिष के पास जाके घंटों घंटों बिताने हैं, वो नहीं बहुत बता रहा हूँ, लेकिन एक वैलिड साइंस है। और अगर आपको कोई ढंग के ज्योतिष मिलते हैं जो बता सकते हैं आपके स्वभाव, वृत्ति और कर्म, ये आपके पूर्व संस्कार या पूर्व कर्मों के अनुसार कैसे बने हैं अभी इस जन्म में, तो स्वभाव का अर्थ है इनहेरेंट नेचर, हमारा जो स्वभाव। वृत्ति मतलब हमारे इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, हमको विशिष्ट काम करना अच्छा लगता है, उसको पैशन भी बोलते हैं लोग कुछ, दैट्स माय पैशन, है ना। जैसे देवगण होता है, मनुष्यगण, राक्षसगण, तो उसके अंदर वो अलग अलग स्फूर्ति वाली वो अलग अलग रहता है उसके अंदर सिस्टम। फिर होता है कर्म, ऑक्यूपेशन, उसके अनुरूप आपको कौन सा निहत कर्तव्य करने चाहिए। तो ये किसी के पास भी मत जाइए ऐसे घूमने घामने के लिए, और 50 लोगों को कंसल्ट मत कीजिए पैसा बर्बाद करके। कोई एक ही ढंग का व्यक्ति लेके 2-3 बार उसको, आपके पास प्रश्न रेडी होने चाहिए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उनसे। तो स्वभाव वर्णन, वृत्ति विकास और कर्म जो हमको अच्छा सा करवाना है आगे चलकर, तो ये उनसे पता चल सकता है। अगर आपका बर्थडे टाइम वगैरह वगैरह सब परफेक्ट है आपके पास, आपका नेचुरल डिलीवरी हुआ था, नॉट द सिजेरियन, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ता है टाइमिंग्स में वगैरह, ये पूरा साइंस है। इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ मेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। चौथा मार्ग है, वो है साधना। आप अपनी साधना को बहुत अच्छा करते हो तो आपका सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। चेतना जो है
वो मूल आपके जो स्वभाव वृत्ति है, अभी हमारा क्या है, हम जो काम कर रहे हैं वो सब अक्वायर्ड है, अक्वायर्ड नेचर बोलते हैं उसको, थोपा गया है हमारे ऊपर और हमने उसके उसमें रुचि उत्पन्न कर ली है, अभी उल्टे सुलटे ही कर रहे हैं कुछ काम। ये कोई बोलता है मेरे को सॉफ्टवेयर कोडिंग बहुत अच्छा लगता है, अभी वो वर्णाश्रम पद्धति में बोलेंगे ये सॉफ्टवेयर किधर आता है कोडिंग, तो है वैसे वो शूद्र का काम कि वैसे करना है, तो वो इंटेलेक्चुअल शूद्र है बस, यू नो शूद्र में भी होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो ब्राह्मण शूद्र है, उसको बोलते सॉफ्टवेयर कोडिंग। तो ये हमको पहले पता रहना चाहिए कि, तो उसके बाद साधना जितनी ठीक करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चेतना का विकास होता है और हमारा जो वर्णाश्रम है वो खुलकर सामने आता है थोड़ा। हम भक्ति में तुरंत आने के बाद नहीं बोल सकते कि प्रभु ये तो मेरा इंक्लिनेशन ही नहीं है, अरे तुम्हारा इंक्लिनेशन डिफॉल्ट इंक्लिनेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन है तुम्हारा, है ना, तुमको थोड़ा ढील दिया तो इंद्रिय तृप्ति तर्क वितर्क चालू। हमारे कॉन्स्टेंट कंपेनियंस कौन है भक्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मेंटल स्पेकुलेशन, ये दो हमारे जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती नहीं ना, जहां जहां हम जाते यही दो चीज करते रहते हमेशा। अभी ऐसा परिस्थिति में तुम्हारा स्वत्व क्या है, वर्णाश्रम क्या है, कोर जी ने वो छोड़ो तुम बात, पहले साधना करो, 15 साल घिसो बैठ के इधर, तो थोड़ा धीरे धीरे चमकने लगेगा कि अरे मेरा ना, मेरा स्वभाव ये है, मेरी वृत्ति ये है, मेरे को ये कर्म करने चाहिए। तो ये थोड़ा देर की बात है, लेकिन एक बार चमक जाता ना आपको, यू बिकम बेस्ट इन दैट सर्विस, यू नो। तो ये चार मार्ग हैं इनके द्वारा। अभी दूसरा प्रश्न था इनका, व्हाट वाज द क्वेश्चन, नियत कर्म कहां से पता चलेगा। तो नियत कर्म तो है जेनरिक, नियत कर्म कहां से पता चलेगा, वर्णाश्रम धर्म, ये वर्णाश्रम पद्धति जो है उसको पूरा अध्ययन कीजिए आप, खास करके किसी वरिष्ठ भक्तों के साथ बैठकर आप पूरा उसको समझ लीजिए कि सिस्टम क्या है। तो तीन गुणों के प्रभाव के अनुरूप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास वो कैसे बनता है वो सिस्टम, तो ये पहला स्टेप है उसमें। इसमें जेनरिक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको नियत कर्म क्या होता है। तो आप अभी जॉब कर रहे हो शूद्र के जैसा काम है और सोचो आपकी वृत्ति वैश्य की है इसके अनुसार, तो मैंने क्या बोला, घिसा पिटा करियर एंड वर्णाश्रम करियर, ये दोनों पैरेलली डेवलप करना चालू करना चाहिए हमको। तो आपका वृत्ति वैश्य का है और अभी आपका जॉब आपको घिसवा रहा है शूद्र के जैसा, करते रहो फिर इसको बिल्ड करो पैरेलली, तो आप बाद में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये हुआ जेनरिक। और दूसरा होता है स्पेसिफिक। तो हमारे जो शिक्षा गुरु होते हैं, तो हमारे हर एक फील्ड में एक एक शिक्षा गुरु हो सकते हैं। जैसे मुझे सेल्फ केयर, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी है, उसके लिए कोई एक भक्त इंस्पिरेशन हो सकता है। मेरे को फैमिली केयर, मेरे परिवार के साथ कैसा रहना, वो एक दूसरा कोई डॉन भक्त है उसमें, उसको ज़्यादा अच्छे से पता है, फिर वो मेरा उसमें मार्गदर्शक हो सकता है। फिर मेरा जो ऑक्यूपेशन फाइनेंस मैनेजमेंट वो सब चीज़ होता है, उसमें कोई तीसरा हो सकते हैं। तो ऐसे हमको अलग अलग शिक्षा गुरु स्वीकार करने चाहिए जो उस फील्ड में निष्णात है, और वहाँ से हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करना चाहिए कि आगे करना क्या है मुझे, ठीक है। तो नियत कर्म क्या कहते हैं, क्लियर होते जाएगा आपको। तो मैं अंत में एक ही और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमने इसके पहले चर्चा की थी कि हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमको उग्र कर्म नहीं करते रहना चाहिए, हमको धीरे धीरे सुविधा बनानी चाहिए जिससे हम इस मार्ग पर अग्रसर हो। तो कुछ भक्त आखिर मुझे पूछे कि प्रभु जी हमारा तो जीवन गया, कम से कम हमारे बच्चों के बारे में बताओ ताकि हमारे बच्चों को हम उसमें ना डालें। तो क्योंकि वो मेरा सबसे पसंदीदा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं उसको थोड़ा एक दो मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको बच्चों के साथ करना क्या है। एक और चीज बोलना भूल गया मैं, आप साधना अच्छे से करते हो तो आपका परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है बहुत सॉलिड होता है, और आपको डायरेक्ट प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट वन हैज टू कम टू द मोड ऑफ गुडनेस, एंड इन द मोड ऑफ गुडनेस हाउ टू मेक फर्दर प्रोग्रेस विल बी ऑटोमेटिकली रिवील्ड। तो आपको अंदर से बराबर डिक्टेशन आता है तो तुम ये करो अभी। तो ये एक साधना का एक विशेष पहलू है। तो बच्चों के साथ करना क्या है, बच्चों के साथ हमको उनको पहले कृष्ण भावना का ट्रेनिंग देना है, उसमें आते हैं साधना
सदाचार और सेवा विद सेवा भावना, और ये प्रवचन देके नहीं करना है, ये उदाहरण से करना है या आयोजन करके करना है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए लगाना है, और हमारा अनकंडीशनल अफेक्शन अहेतु की प्रेम रखा जारी रखना है उनके साथ। तो ये हुआ पहला। दूसरा, कभी कभी बोल भी सकते हैं प्रवचन थोड़ा, ऐसे नहीं कि पूरा ही नहीं बोलना है, लेकिन नहीं तो वो बोलते हैं मम्मी का कैसेट नंबर 52 चालू हो गया तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है वर्णाश्रम ट्रेनिंग, जो मैंने बोला ना कोर जीनियस, वो ट्रेनिंग अभी से चालू करो। उसका एक कोर जीनियस जैसे मैंने बताया कैसे ढूंढ के निकालना, तो उसको डेवलप करना अभी से चालू करो। वो स्कूल नहीं करने वाला है आपके लिए, आपको करना हो तो उनका वर्णाश्रम डेवलपमेंट। फिर तीसरा आपको करना है लाइफ स्किल्स, जीवन विषय कौशल्य उनको प्रदान करने, जैसे कुकिंग, स्विमिंग, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट। ये सिखाते कोई स्कूल में? सिखाते कोई टॉपिक? नहीं सिखाते, लेकिन ये जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुकिंग नहीं आता तो क्या करेगा आगे जाके वो? तो ये सब हमको लाइफ स्किल्स उनको अभी से प्रदान करना है पूरा। चौथा है उसको कहते हैं मेक देम वर्ल्डली स्मार्ट, या एक दूसरी भाषा में कलियुगा कंपैटिबिलिटी स्किल्स। कलियुग के साथ क्या कहते हैं, शुद्धता खोए बिना अशुद्धता के साथ कैसे जीना, अशुद्धता मतलब आजू बाजू की अशुद्धता में कैसे रहना, उसका ट्रेनिंग। ये अलग ही करिकुलम है, ये नया करिकुलम है, वैदिक संस्कृति में भी नहीं था ये, क्योंकि उधर ऐसी सभ्यता ही नहीं थी। और पांचवा है एकेडमिक्स, जो घिसापिटा करियर, हम इसको नकारते नहीं है लेकिन हम उसको 20% देखते हैं लाइफ में। तो अगर वो 20% में 70% ला रहा है तो खुश रहो। तुम्हारा 20% वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें 95% क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए उसको गोली से मत मारो बस, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% इज अ गुड स्कोर, खुश रहो। बच्चे सुन नहीं रहे ना? ठीक है, मैं तो घर जाके बोलेंगे हैं प्रोजे ने अभी ऑलरेडी इतना सैंक्शन दे के रखा है। तो ये इसको बोलते हैं करिकुलम, घर में करना क्या बच्चों के साथ, और ये हमको उनको करना चाहिए। अगर आपको ये संभव खुद से नहीं होता है तो साथ में आकर करो, दो चार भक्तों के फैमिलीज को एकत्र ला के उनके बच्चों का ख्याल मिलकर करो। दिस इज आवर कम्युनिटी एंड आवर किड्स, इस प्रकार से। तो ये एक मार्ग है। दूसरा है हम विद्याश्रम चालू कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, पूना में पहला अभी इधर ही चल रहा है, एक 16 बच्चे हैं हमारे पास, तो उसमें ये सब ट्रेनिंग हम उनका करवाते हैं। वो पेरेंट्स हमको बच्चे दे देते हैं, बोलते हैं हम आप करो हम आपके साथ हैं, तो हम वो चलाते रहते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है विद्याश्रम का, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ये विद्याश्रम अपनी जगह में चालू करो, जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पर, ठीक। तो इससे हम क्या करेंगे, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, वो जो मार्ग है उससे हमारे बच्चों को कम से कम बचा पाएंगे। आत्महनो जनाहा, उनको नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जाय, श्री शोपनिषद की जाय, गौर प्रेमानंदे हरे।